जो सलाहुद्दीन ने कहा है वो सबको मालूम है, कोई नई बात उसने कही नहीं। सिर्फ नई बात ये हुई है कि उसने ये बात उजागर कर दी कि जिन्हें आज तक लोग स्टेट एक्टर नहीं, बाकी जो नाम देते रहे हैं उनको, उन एक्टर्स में सलाहुद्दीन और उसका संगठन हमेशा से इन चीजों में सम्मिलित रहा है। इसलिए और भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जी वो इस बात को पहले से ही जानती हैं, उनकी रणनीति में या उनकी सोच में इसका कोई अंतर आने वाला नहीं है। यदि इसका कोई इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला है तो वो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उस पर कालिख पोतने का काम सलाहुद्दीन ने जरूर किया है। और मुझे ये लगता है कि इस सारे के पीछे शायद उनकी आंतरिक ऊहापोह ज्यादा ज्यादा महत्व रखती है बजाय इसके कि अमेरिका ने क्या किया और भारत ने क्या किया। हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हम जानते हैं कि वहां पर आतंकवादी हैं, हमें पता है वहां से पैसा कहाँ आता है और उन पर शिकंजा कसा हुआ है। सिर्फ बात अब और थोड़ी ये होने वाली है कि जिसे कहते हैं ना, अगर मोर ऑफ द सेम जो अब तक हम करते रहे हैं उसका थोड़ा सा और उसको बढ़ाना है। और नहीं सर, सलाहुद्दीन की जैसे जैसे सैयद सलाहुद्दीन का बयान जो आता है कि कई लोग हैं जो कश्मीर में उसके समर्थक हैं, उसके कहने पर वो कहीं पर भी हमले करवा सकता है, वो कहीं पर भी हथियार पहुंचा सकता है, यानी उसका नेटवर्क बहुत मजबूत है। और नेटवर्क मजबूत कब है? जब कश्मीर में ही कई गद्दार यहां पर मौजूद हैं। और ये सारी चीजें पता है, अब सबके सामने जग जाहिर हो गई, आप भी इस बात को मान रहे हैं, तो ऐसे में अब सरकार का क्या रवैया होना चाहिए कि उन गद्दारों पर क्या कार्रवाई की जाए? हाँ, सरकार का रवैया यही है कि उन उन गद्दारों को एक एक करके पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको हर तरीके से मजबूर करना है कि वो उजागर हों, और फिर कानून के दायरे में उन पर एक्शन लेना है।